अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स, लेक्चरर इकोनॉमिक्स एफपीएससी टेस्ट, ठीक है। इसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, पार्ट सिक्स आज देखेंगे इस लेक्चर में। और इससे पहले हम पांच पार्ट्स जो है वो कवर कर चुके हैं, उसमें हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें जो है वो डिस्कस की हैं, डिमांड सप्लाई इलास्टिसिटी और वेरियस मार्केट कंडीशन, जिसमें परफेक्ट कंपिटिशन मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपिटिशन, ओलिगोपोली, कार्टल्स, ठीक है। और डिफरेंट इस वेरियस कॉन्सेप्ट्स जो हैं हमने डिटेल में जो है वो अंडरस्टैंड किया और उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व किया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो वीडियोस देख लें ताकि आपका एक पोर्शन जो है वो कवर हो सके। ये सिर्फ जो वीडियोस हैं ये सिर्फ एफपीएससी के टेस्ट के लिए ही महदूद नहीं है, बल्कि जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स जिनके अंदर इकोनॉमिक्स का पोर्शन इन्वॉल्व होता है उन सब के लिए ये हेल्पफुल है। और ये मोस्ट रिपीटेडली जो एमसीक्यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं, ये उनके ऊपर बेस कर रही है वीडियोस। तो स्टार्ट करते हैं आज का सिक्स पार्ट इसका। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। अ स्टडी ऑफ हाउ इंक्रीज इन मिनिमम वेज रेट विल इफेक्ट नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एन एग्जांपल ऑफ। अच्छा, जो सबसे पहले हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं, जब भी हम माइक्रो की बात करते हैं तो हम इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, ठीक है, इनकी बात करते हैं, इंडिविजुअल सिंगल यूनिट की बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम एग्रीगेट का लेते हैं वर्ड, ठीक है, हम होल इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे होते हैं, एग्रीगेट में चीज़ें हम एनालाइज कर रहे होते हैं और उनके एग्रीगेशन के जो लॉज हैं उनको हम देख रहे होते हैं कि जो ओवरऑल इकॉनमी है और यहाँ जो इंटरनेशनल इकॉनमीज हैं वो किस तरीके से डील कर रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब पहला एमसीक्यू देखते हैं कि स्टडी ऑफ हाउ इंक्रीज मिनिमम वेज। मिनिमम वेज जो होती है वो गवर्नमेंट सेट करती है और पूरी इकोनॉमी के लिए होती है वो, ठीक है, विल इफेक्ट नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किस चीज की एग्जाम्पल होगी? क्या ये डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है या माइक्रो इकोनॉमिक्स है? तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स तो नहीं है, ना ही नॉर्मेटिव है, ना डिस्क्रिप्टिव है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं जी, एग्रीगेट सप्लाई इज द टोटल अमाउंट। एग्रीगेट सप्लाई क्या चीज होती है? एग्रीगेट सप्लाई बेसिकली जो होता है कि वो गुड्स और सर्विसेज इकोनॉमी में जितनी भी प्रोड्यूस हो रही होती हैं या जितनी सप्लाई हो रही होती है इकोनॉमी के अंदर, उनको हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। उनका समेशन जो है वो एग्रीगेट होता है, एग्रीगेट बेसिकली सम कहते हैं, ठीक है। सो एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकॉनमी इज नोन एज, जो टोटल डिमांड होती है गुड्स एंड सर्विसेज की इकॉनमी के अंदर उसको हम क्या कहते हैं? जैसे ही जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही थी इकॉनमी में उनको हम एग्रीगेट सप्लाई कह रहे थे, इसी तरह जो टोटल डिमांड है गुड्स और सर्विसेज की पूरी इकॉनमी की उनको हम एग्रीगेट डिमांड का नाम देते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। डिफ्लेशन क्या चीज होती है? इन्फ्लेशन सबसे पहले समझना जरूरी है, डिफ्लेशन को समझने के लिए। इन्फ्लेशन होती है इंक्रीज ऑफ प्राइसेस, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक प्राइसेस अगर चीजों की इंक्रीज होती जाए तो हम उसको इन्फ्लेशन का नाम देते हैं, हम कहते हैं इकॉनमी में इन्फ्लेशन आ रहा है, ठीक है, इन सिंपल वर्ड। डिफ्लेशन इसका ऑपोजिट है, डिफ्लेशन हम कहते हैं कि डिक्रीज इन प्राइसेस। डिफ्लेशन का ये मतलब हरगिज नहीं है कि नेगेटिव में हो गई है, प्राइसेस कम हो रही होती हैं, एग्रीगेट जब टर्म्स में हम देखते हैं तो रिलेटिवली पिछले साल से इस साल अगर प्राइसेस कम हैं तो हम कहते हैं कि डिफ्लेशन आ रही है इकॉनमी में, ठीक है। सो डिफ्लेशन इज एन इंक्रीज इन ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटी का डिफ्लेशन के साथ कोई जो है वो रोल नहीं है। एन इंक्रीज इन ओवरऑल प्राइस लेवल्स, तो इंक्रीज हमने कहा इन्फ्लेशन होता है। सो ऑप्शन सी अ डिक्रीज इन ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ऑप्शन डी इज अ डिक्रीज इन ओवरऑल प्राइस लेवल। तो ओवरऑल प्राइस लेवल जब इकोनॉमी के डिक्रीज हो रहे होते हैं तो हम उसको कहते हैं कि डिफ्लेशन है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। रिसेशन, रिसेशन के ऊपर एक पूरा टॉपिक जो है वो अवेलेबल है, एक्सप्लेन्ड वीडियो अवेलेबल है, ठीक है, मैं लिंक उसका अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट रिसेशन का नहीं पता तो आप वहां से जाके उसको जो है फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, रिसेशन इज अ पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग प्राइसेस, क्या आप जो डिक्लाइन कर रही होती हैं प्राइसेस उनका पीरियड होता है। अ पीरियड ड्यूरिंग विच एग्रीगेट आउटपुट डिक्लाइंस, अ पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अ पीरियड ऑफ फॉलिंग
ट्रेड वॉल्यूम्स देखें जो है ना बिजनेस साइकिल उसके फोर जो हैं वो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और फिर रिकवरी, ठीक है। सो जो रिसेशन का पार्ट होता है वो पार्ट होता है जहाँ पे ओवरऑल आउटपुट जो है वो डिक्लाइन कर रही होती है, इकॉनमी जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही होती है। सो रिसेशन इज अ पीरियड ड्यूरिंग विच एग्रीगेट आउटपुट डिक्लाइंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं जी, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है? अनएम्प्लॉयमेंट के भी वेरियस टाइप हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इनके डिटेल में हम अभी नहीं जाते, लेकिन एमसीक्यूज को देखते हैं कि पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेज रेट, ठीक है। दूसरा है, एट द गोइंग वेज रेट देयर आर पीपल हु वांट टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड वर्क। देयर आर सम पीपल हु विल नॉट वर्क एट द गोइंग वेज रेट एंड देयर इज एक्सेस डिमांड फॉर लेबर मार्केट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जहाँ पे लोग विलिंग तो होते हैं काम करने के लिए, लेबर फोर्स विलिंग है काम करने के ऊपर, ठीक है, जो ऑन गोइंग वेज रेट है उसके ऊपर विलिंग होती है, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही होती। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अ कट इन इनकम टैक्स रेट डिजाइन टू इनकरेज हाउस होल्ड कंजम्पशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब भी इनकम टैक्स रेट को हम कट करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट इनकम टैक्स कौन सेट करता है? गवर्नमेंट सेट करती है। टैक्सेस जितने हैं वो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और टैक्सेस जो हैं वो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज होते हैं जो वो एक्सपेंडिचर करती है फॉर द सेक ऑफ पब्लिक जो वेलफेयर है, ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है, ठीक है। अच्छा, आप इनकम टैक्स जो है अगर कट कर रहे हैं, यानी आप टैक्स लोगों से कम ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है उससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है वो मनी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो रही है ना, ठीक है। सो ये एक एक्सपेंशनरी डिमांड साइड पॉलिसी है, ठीक है, गवर्नमेंट की ये एक एक्सपेंशनरी डिमांड साइड पॉलिसी होगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, अ कट इन टैक्स रेट। पहले हमने जो है वो कट इन टैक्स रेट डिजाइन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, ऐसा टैक्स रेट जो कि ऐसे डिजाइन किया गया ताकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम किया जाए, हेंस इनकरेज बिजनेस इन्वेस्टमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी हमने इन्वेस्टमेंट को या बिजनेस को बूस्ट करने के लिए जो टैक्स रेट पॉलिसी लेके आएंगे उसको हम क्या कहेंगे? एक्सपेंशनरी सप्लाई साइड पॉलिसी, ठीक है। एक है एक्सपेंशनरी डिमांड साइड पॉलिसी जो कि हमने हाउस होल्ड के ऊपर इनकम टैक्स के साथ लगाई कट करने की वजह से, और दूसरी हमने लगाई कैपिटल के ऊपर यानी इन्वेस्टमेंट के साथ अटैच की, जो तो वो है एक्सपेंशनरी सप्लाई साइड पॉलिसी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील विद। मैक्रो इकोनॉमिक ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो किसके साथ डील करती है? एज द होल इकोनॉमी। हमने शुरू में पढ़ा कि एग्रीगेशन के साथ डील करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो होल इकोनॉमी को लेकर चलती है, ठीक है, नेशनल सेविंग, नेशनल डिमांड, ठीक है, और डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट हैं जो कि नेशनल या एग्रीगेट लेवल पे हम कवर करते हैं वो सारे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर करते हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं, ओके। नेक्स्ट है जी, अ ग्रुप ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स हु बिलीव दैट प्राइस एंड वेजेस रिजिडिटीज डू नॉट प्रोवाइड द ओनली रैशनल फॉर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी एक्टिविज्म आर कॉल्ड। अच्छा, अब दो तरह के हमने स्कूल ऑफ थॉट जो है वो अपनी मैक्रो इकोनॉमिक की जो सीरीज थी उसके अंदर शेयर किए थे, ठीक है, जिनमें एक क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है और एक कीनेजियन स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस हमने उसमें डिटेल में देखा था, अभी इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, और मैं वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी ताकि अगर आपने डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है दोनों थॉट्स को, जो कि क्लियरली वहां पे डिफाइन है कि किस तरीके से दोनों थॉट्स जो हैं वो वेरी कर रही हैं, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो क्लासिकल स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, ठीक है, वो कहते हैं जो एडम स्मिथ जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, ठीक है, उनसे रिलेट करते हैं, तो वो कहते हैं कि प्राइसेस जो हैं वो रिजिड होती हैं, ठीक है, लॉन्ग रन में भी और शॉर्ट रन में भी, ठीक है, इनविजिबल हैंड्स की बात करते हैं बेसिकली हम वहां पे कि जो प्राइसेस होती हैं वो जो है वो रिजिड होती हैं, लेकिन जब कीनेजियन आए, ठीक है, कीनेजियन 1930s के बाद आए, जब ग्रेट डिप्रेशन आया, ठीक है, तो वो कहते हैं कि जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई इकॉनमी के अंदर, और फिर डिमांड एंड सप्लाई जो है वो खुद से एडजस्ट नहीं हुई, सप्लाई इकॉनमी में एक्सेस हो गई, डिमांड कम हो गई बिकॉज लोगों के पास पैसे ही नहीं थे चीज़ों को खरीदने के, तो क्या हुआ कि उन्होंने फिर ये रियलाइज़ किया
के जो शॉर्ट रन के अंदर तो जो है वो प्राइसेस जो है वो रिजिड नहीं होती, फ्लेक्सिबल होती हैं, बल्कि जो लॉन्ग रन है उसके अंदर प्राइसेस जो है वो रिजिड होती हैं। सो इस कॉन्सेप्ट को जो है अगर आपने डिटेल में देखना है तो मैं आपको वीडियो जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उससे जाके इस कॉन्सेप्ट को डिटेल से देख सकते हैं। अच्छा, अब अ ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हु बिलीव दैट प्राइसेस एंड वेज रिजिडिटीज, ठीक है, ऐसे जो वो रिजिडिटीज की बात करते हैं, इसी तरह जब प्राइसेस की बात करते हैं तो साथ वेजेस की भी बात करते हैं, डू नॉट प्रोवाइड द ओनली रेशनेल फॉर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। ये सिर्फ ओनली मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी की रेशनेल नहीं है, ठीक है, एक्टिविज्म आर कॉल्ड, इनको हम न्यू कीनेजियन कहते हैं। प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग फिस्कल एंड मॉनिटरी पॉलिसी टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी इज नोन एज, अब जो नेशनल लेवल पे दो तरह की पॉलिसीज होती हैं, एक फिस्कल पॉलिसी होती है और एक मॉनिटरी पॉलिसी होती है। फिस्कल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट डील करती है, यानी टैक्स का रेट इंक्रीज करना, टैक्स का रेट सेट करना, ठीक है, और जो मॉनिटरी पॉलिसी होती है वो कोई किसी भी इकोनॉमी का सेंट्रल बैंक जो है वो सेट करता है। जैसे हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी में स्टेट बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक का काम करता है और वही जो मॉनिटरी पॉलिसी है उसको सेट करता है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसी प्रैक्टिस जिसमें फिजिकल और मॉनिटरी पॉलिसी को यूज किया जाता है ताकि इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जाए, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फाइन ट्यूनिंग ऑफ डिमांड, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लेजी फेयर इकोनॉमी भी ये नहीं होती, ठीक है, वो इनविजिबल हैंड्स की बात करते हैं। सप्लाई साइड इकोनॉमी भी इसको नहीं कहते, और मोनिटारिज्म जो है ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। सो फाइन ट्यूनिंग ऑफ डिमांड इज द करेक्ट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मॉडल्स द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटर्मिंड प्राइमरली बाय, अच्छा क्लासिकल मॉडल के अकॉर्डिंगली जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो डिटर्मिन किससे होती है, क्या वो इंटरेस्ट रेट से डिटर्मिंड होती है, लेवल ऑफ प्राइसेस से डिटर्मिंड होती है, लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई द इकोनॉमी से डिटर्मिंड होती है, या फिर लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज से। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई इन द इकोनॉमी। According to Keynes, the level of employment is determined by Keynes के accordingly जो level of employment है वो किस कौन determine करता है, क्या interest rate determine करता है, the level of prices determine करते हैं, the level of aggregate supply in the economy और the level of aggregate demand for goods and services। जो employment का level है वो aggregate demand for goods and services determine करता है। Option D is the correct option. According to classical model, unemployment could not persist because wages could fall to eliminate the excess supply of labor. Classical model के accordingly, जो unemployment है वो persist नहीं कर सकती because जो wages हैं, ठीक है, वो fall कर जाती हैं to eliminate the excess supply of labor, ताकि excess supply of labor को eliminate किया जा सके। जब वेजेस कम होंगी तो ऑब्वियसली जो फर्म्स हैं वो मोर लेबर को हायर करने पे एग्री होंगे, वो विलिंग होंगे कि मोर लेबर जो है वो हम हायर कर लें, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। टू गेट द इकोनॉमी आउट ऑफ अ स्लंप, कीन्स बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड, अच्छा कीन्स के अकॉर्डिंगली अगर इकोनॉमी को स्लंप में से निकालना है तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, इंक्रीज बोथ टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, increase taxes and decrease government spendings, cut both taxes and government spendings, or decrease taxes or increase government spendings, ठीक है। जब इकोनॉमी को स्लम में से निकालना होता है तो आपको एक्सपेंशनरी पॉलिसीज जो है वो अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब यह है कि टैक्सेस को कट करें, या दूसरी ऑप्शन ये होती है कि अपने जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है पब्लिक वेलफेयर के लिए उनको इंक्रीज करें। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू, एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या होती है, टोटल डिमांड फॉर ऑल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, ठीक है, द हाउस होल्ड एंड द गवर्नमेंट सेक्टर, द हाउस होल्ड सेक्टर, ऑल सेक्टर एक्सेप्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ऑल सेक्टर्स इंक्लूडिंग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या रेफर करती है, ऑल सेक्टर्स इंक्लूडिंग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।